उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस पार्टी ने इतिहास रच दिया है। वहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को केएल शर्मा ने हराया है। केएल शर्मा जी 1990 के दशक के बाद से लगातार वहां पर रहे और कहा यह जाता है कि राजीव गांधी के समय से केएल शर्मा ने अमेठी और रायबरेली में दोनों जगह कांग्रेस पार्टी का गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व किया, इतिहास रचकर वो लौटे हैं। सर, न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको बधाई सर, ये कैसी जर्नी रही? आपने स्वयं कभी चुनाव नहीं लड़ा था, तमाम आरोप विपक्ष ने लगाए थे, क्या कहना चाहिए? नहीं देखिए, चुनाव लड़ा नहीं था, लड़ाई तो बहुत थे, ठीक है, कि प्रियंका जी के नेतृत्व में मैंने बहुत चुनाव लड़ाए। 99 से मैडम का चुनाव लड़ाया, फिर राहुल जी का हुआ, सारे चुनाव लड़ाए। लेकिन प्रियंका जी हमारी बॉस रहती थी उस समय भी, तो अब अपना लड़ना पड़ा, तो पहले थोड़ा घबराहट हुई, लेकिन जब जनता का मूड देख लिया तो हौसला आ गया कि अब जो आदेश है उसका पालन करना कर दिया। सर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वहां से चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, तमाम विकास की बातें कही जाती हैं, प्लान मोदी की बात होती है, जब टिकट मिला आपको, जब सूचना मिली, उस वक्त आपने किस मुकाबले से देखा, आपको लगा कि चुनाव मेहनत है? नहीं देखे, जब मैं नॉमिनेशन करने गया, जब वर्कर का मैंने रुझान देखा तो मेरे को लगा कि बात बन जाएगी, और फिर बात बन गई। सर, एक बार मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा आपको, अमेठी से आपका रिश्ता कैसे जुड़ा, आप वहां कैसे पहुंचे, क्योंकि इस बारे में हमारी पहले बात होती रही है, दर्शकों को बहुत जानकारी नहीं है, तमाम बातें कही जाती है कि आप पंजाब के रहने वाले हैं। हाँ। किस दौर में, जब आप डीयू में पढ़ते थे, तब का थोड़ा सफर? नहीं, डीयू में नहीं, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मैं 1983 में अमेठी पहुंच गया था, यूथ कांग्रेस की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लगा था, उसके माध्यम से एक हाई पोटेंशियल लिस्ट बनी थी, उसमें आपके जो CWC मेंबर हैं जीए मीर, वो भी सब मेरे साथी थे रहे उस समय, तो उस समय हम लोग सिलेक्ट होके वहाँ पहुँचे थे। फिर 85 में राजीव जी ने मेरे को टिकट दिया था, लेकिन मेरी उम्र पूरी नहीं थी, तो 3.5 महीना का उम्र कम थी, तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाया, लेकिन फिर राजीव जी के साथ कंटिन्यू किया मैंने, तो पंजाब का रहने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा ज़्यादा समय, अगर 62 साल मेरी एज है तो 41 साल तो मेरे वहीं गुजर गए, बाकी जो स्टडी का टाइम था वही मैं पंजाब में रहा। सर, यूपी से आप जीत कर आए हैं, इंडिया गठबंधन को अच्छा बहुमत मिला है, रणनीतिकार के तौर पर आप रहे हैं गांधी परिवार के लिए अमेठी रायबरेली में, इस वक्त आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने के लिए ट्राई करना चाहिए, तमाम दल हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए? नहीं देखिए, व्यक्तिगत मेरी राय है वो तो इंडिया गठबंधन शाम को 6 बजे मीटिंग है, वो तय करेंगे, मैं उतना बड़ा लीडर नहीं हूँ कि मैं इस पे कमेंट करूँ, तो इंडिया गठबंधन तय करेगा। सर, अगर कांग्रेस को मौका मिलता है तो प्रधानमंत्री पद के लिए आपके हिसाब से सबसे बढ़िया दावेदार कौन है? नहीं, मैं तो देखो, ये तो खड़गे जी ने कहा है, ये खड़गे जी की स्टेटमेंट है, उनको कोई वो नहीं करूंगा, तो खड़गे जी ने खुद कहा कि ये पहले नंबर आने दीजिए, फिर फैसला होगा पीएम का, तो आज शाम का बात है, पहले देखते हैं क्या होता है। सर, आपने कई चुनाव लड़ाए हैं यूपी में, आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन को इतनी बड़ी सफलता, सपा ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, बीजेपी की सीटें कम हो गई, कांग्रेस पार्टी आधा दर्जन सीटें जीत कर आई, क्या बड़े फैक्टर है? नहीं, फैक्टर है कि एक तो गठबंधन की मजबूती, कि उनके कार्यकर्ता और हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर चुनाव लड़ा, तो और उसके बाद क्योंकि दोनों पार्टियों की जो वोट का बिखराव नहीं हुआ, से अगर दोनों पार्टी अलग अलग लड़ती तो शायद वोट का बिखराव होता, तो ये शायद रिजल्ट ना आता। सर, प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में 1.25 लाख के मार्जिन से जीते हैं, क्या वजह लगती है आपको? राजनाथ सिंह का भी बहुत वोट 75,000 समथिंग है। नहीं, ये तो देखो जनता आईना दिखा रही है, ठीक है, ये तो जनता आईना दिखा रही है, तो उसको समझना चाहिए, इससे अलार्मिंग बेल। सर, लंबे समय का अनुभव है, अगर सरकार बनती है तो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे आप? नहीं, मैं ये मेरी भूमिका मैं खुद तय नहीं करता हूँ, ये मेरी भूमिका गांधी परिवार तय करेगा, जिस भूमिका में रखेंगे वो रहूंगा, वैसे मैं मंत्री पद का बहुत ज्यादा चाहवान नहीं हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, के बात करने के लिए सहयोगी सोनू के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18 दिल्ली।